सन 1949 में ब्रिटिश लेखक जॉर्ज ऑरवेल ने एक खौफनाक भविष्य की ओर इशारा करते हुए चेतावनी जारी की और इसे नाम दिया 1984। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मसाला चाय पर। मैं हूँ सुदीप्ता और यहाँ आप सबको देती हूँ हिंदी किताबों के रिव्यूज। अब आप सोच रहे होंगे कि हिंदी किताबों के इस चैनल पर एक इंग्लिश लिटरेचर की किताब आज मैंने कैसे उठा ली, तो इसके पीछे भी कुछ कारण है जो मैं आपको जरूर बताऊंगी। सबसे पहले बता दूं कि आज किस किताब का रिव्यू करने वाली हूँ। तो आज की हमारी किताब है जॉर्ज ऑरवेल की लिखी 1984। ये किताब 1949 में यानी कि 1949 में प्रकाशित हुई। इस किताब को आज अपने रिव्यू में शामिल करने के जो कुछ खास कारण है वो बता दूं। सबसे पहला कारण तो ये कि 1984 पहली बार मैंने हिंदी में ही पढ़ी थी और आपको आज हिंदी वर्जन का ही रिव्यू देने वाली हूँ। दूसरा कारण ये कि इसके लेखक यानी कि जॉर्ज ऑरवेल का जन्म भारत में ही हुआ, बंगाल के मोतिहार नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण इस किताब को उठाने का ये है कि ये किताब, ये उपन्यास एक ऐसे विषय पर लिखा गया है जिस विषय पर हिंदी लेखकों की कलम आज तक नहीं चली है। तो मुझे लगता है हिंदी पाठकों को ऐसे विषय से जरूर परिचित होना चाहिए। हो सकता है आगे उनकी एक रुचि इसके अनुसार विकसित हो, उनका एक टेस्ट डेवलप हो और उनकी रुचि को देखते हुए हिंदी लेखक भी ऐसे विषयों पर लिखना शुरू कर दे। 1984 एक डिस्टोपियन फिक्शन है। डिस्टोपियन फिक्शन दरअसल उन विषयों पर लिखी गई किताबें होती हैं जिनमें किसी देश या समाज की एक ऐसी काल्पनिक तस्वीर पेश की जाती है जो बेहद नकारात्मक है। एक ऐसा देश या समाज जहां के नागरिकों को किसी तरह की कोई आज़ादी नहीं है, ना वो सामाजिक आज़ादी है, ना कोई राजनीतिक आज़ादी है, ना ही वैचारिक आज़ादी। हिंदी में अगर आप डिस्टोपियन फिक्शन का अर्थ ढूंढने की कोशिश करेंगे, जैसा कि मैंने भी कोशिश की थी, तो हिंदी में कोई प्रॉपर वर्ड नहीं है इसका। हालांकि डिस्टोपियन का हिंदी अर्थ होता है मनहूस कथा। जी हाँ, तो इस किताब की जो पृष्ठभूमि है, इस किताब को जिस सब्जेक्ट को केंद्र बना करके लिखा गया है, वो एक मनहूसियत ही पैदा करती है। जितनी ही मनहूस है उतनी ही इंटरेस्टिंग भी है ये किताब। 1984 में एक ऐसा ही देश है ओशेनिया। इस देश के नागरिकों की हर गतिविधि पर नजर रखी जाती है। वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं और यहाँ तक कि क्या सोच रहे हैं, ये सभी बातें रिकॉर्ड होती हैं। घरों, सड़कों, इमारतों, गलियारों, यहाँ तक कि वॉशरूम्स में भी टेलीस्क्रीन यानी वीडियो कैमराज लगे हुए हैं। देश में एक सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है जिसके सबसे बड़े नेता बिग ब्रदर की आंखें हर वक्त हर किसी को देख रही होती है। पार्टी का स्लोगन है वॉर इज पीस, इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, फ्रीडम इज स्लेवरी, यानी कि युद्ध ही शांति है, अज्ञानता ही शक्ति है और दास्ता ही आजादी है। इस देश के नागरिकों को कोई भी काम करने की छूट नहीं है, वो वही काम कर सकते हैं जो पार्टी चाहती है। किताब में विंस्टन नाम का एक किरदार है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ में काम करता है। मिनिस्ट्री ऑफ ट्रुथ यानी कि सत्य मंत्रालय, जिसका सच से कोई सरोकार नहीं है, सरोकार है तो बस झूठ को सच में बदलने से। विंस्टन का काम होता है इतिहास को दोबारा लिखना और उसे वही रूप देना जैसा बिग ब्रदर चाहते हैं। विंस्टन अपना काम तो करता है लेकिन मन ही मन वो इस व्यवस्था को पसंद नहीं करता है, लिहाजा अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वो डायरी लिखना शुरू कर देता है, यानी एक ऐसा अपराध करता है जिसके लिए उसे कभी भी गिरफ्तार किया जा सकता है। कुछ दिनों बाद विंस्टन की मुलाकात होती है जूलिया से, जो विंस्टन जैसी ही सोच रखती है, तो दोनों प्रेम में पड़ जाते हैं। फिर शुरू होता है दोनों का मिलना जुलना, साथ वक्त बिताना, यानी एक ऐसा अपराध करते हैं दोनों जिसके लिए उन दोनों को कभी भी मौत की सजा दी जा सकती है। दोनों को अच्छी तरह से पता होता है कि उनकी हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, यहाँ तक कि उनकी सोच को भी रिकॉर्ड किया जा रहा है। लेकिन एक बात को लेकर दोनों को पूरा विश्वास होता है कि कभी भी कोई भी उनके मन से एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वो नहीं निकाल सकता। आखिरकार दोनों गिरफ्तार हो जाते हैं और फिर शुरू होता है प्रताड़ना का एक लंबा दौर। पार्टी का मकसद ये नहीं था कि विंस्टन अपनी गलती स्वीकार करे, बल्कि पार्टी ये चाहती थी कि विंस्टन अपनी गलती दिल से स्वीकार करे, यानी वो गलत है इस बात को वो दिल से महसूस करे। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि कोई भी इंसान अपने कार्यों को तो नियंत्रित कर सकता है, लेकिन अपनी सोच को कैसे नियंत्रित कर सकता है? कहानी में आगे क्या होता है, कहानी का अंत क्या है, ये मैं आपको नहीं बताना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि आप इस किताब को खुद पढ़ेंगे तो आप इसे ज्यादा एंजॉय कर पाएंगे। 1984 क्यों पढ़े ये मैं आपको बता देती हूँ।
1984 के बारे में, जैसा कि सबसे पहले शुरुआत में मैंने कहा कि जॉर्ज ऑरवेल ने एक चेतावनी जारी की है, एक खतरनाक, एक खौफनाक भविष्य की चेतावनी। ये चेतावनी कितनी सच है, कितनी झूठ, इस किताब को खुद पढ़िए और सोचिए। दूसरा रीजन इस किताब को पढ़ने का ये कि अगर अभी तक आपने कोई डिस्टोपियन फिक्शन नहीं पढ़ी है तो 1984 आपके लिए बेस्ट चॉइस साबित हो सकती है। इस किताब को जरूर पढ़िए, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है और एक ऐसा सब्जेक्ट आपको पता चलेगा जिस विषय पर बहुत कम किताबें लिखी गई हैं। अब बारी आती है ये बताने की कि इसे क्यों ना पढ़े। अगर आपने अभी अभी किताबें पढ़ना शुरू किया है, नए नए पाठक बने हैं आप, तो आपको मैं ये किताब उठाने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगी। नए पाठकों को 1984 न पढ़ने की सलाह इसलिए दे रही हूँ क्योंकि उन्हें यह किताब इंटरेस्टिंग तो लगेगी लेकिन हो सकता है उन्हें समझने में थोड़ी मुश्किल हो, तो आप कुछ टाइम बाद इसे जरूर उठाइएगा और पढ़िएगा। और 1984 के बारे में जो सबसे जरूरी बात है वो बताना भूल गई, वो भी बता दूं। अभी जो आपने मेरे हाथ में देखा ये इंग्लिश वर्जन है, अनफॉर्चुनेटली इसकी जो हिंदी वर्जन है वो अभी कहीं अवेलेबल नहीं है। एक्चुअली इसका हिंदी वर्जन जो मैंने पढ़ा था वो मुझे मेरी एक दोस्त से मिला था जो उसे कैलिफोर्निया से लेकर आई थी, तो ये वापस कैलिफोर्निया चली गई है वो किताब, यानी कि इसकी हिंदी वर्जन कैलिफोर्निया में ट्रेवल कर रही है और इंग्लिश वर्जन यहाँ आ गई है। इसे मैंने अमेजोन से ऑर्डर किया है, तो इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ऑर्डर कर सकते हैं। डोंट वरी अगर हिंदी वर्जन अवेलेबल नहीं है, मेरे ख्याल से अगर किताब अच्छी हो तो लैंग्वेज का बैरियर नहीं होना चाहिए, और अगर लैंग्वेज को लेकर आप थोड़ा परेशान हैं कि भाषा पता नहीं कैसी होगी इंग्लिश, तो आपको मैं निश्चिंत कर दूं कि बहुत ही ईजी लैंग्वेज है, बहुत ही ईजी इंग्लिश है, बहुत आराम से आपको समझ में आएगी। तो ये था 1984 का आज मेरे विचार इसके बारे में और इसका रिव्यू। मेरे ख्याल से आपको ये रिव्यू पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन पे भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। कैसा लगा आपको आज का वीडियो ये कॉमेंट बॉक्स में मेंशन करना मत भूलिएगा। जल्दी मिलूंगी आपके सामने एक नई किताब लेकर, एक नए लेखक को लेकर। अभी के लिए मैं चलती हूँ, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।